हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल बेसन मिल्क। ये विंटर्स के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत टेस्टी हॉट ड्रिंक है। ये पीने में जितना टेस्टी होता है उसके साथ साथ ये हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे बेसन, ये 2 टेबल स्पून बेसन है, और इसके साथ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी। और इसके साथ मैंने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है आलमंड है और पिस्ता। तो बादाम को मैंने पहले भिगा दिया था, उसके बाद इसका छिलका हटा दिया है। इस दोनों चीज़ों को मैं पहले ग्राइंड कर लूँगी, इसका एक पेस्ट बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने 4 कप दूध लिया हुआ है, जो कॉफ़ी मग होता है, मैंने उसी से इसे मेजर किया है। तो सबसे पहले इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ बादाम और पिस्ता का। इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच दूध। तो इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर है। तो गैस पे मैंने रख दिया कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच घी जो मैंने लिया था। घी को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन और गैस की फ्लेम को एकदम हम लो रखेंगे और बेसन को लो फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे कि जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे, बेसन का जब तक कलर ना चेंज हो जाए। हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है जिससे कि बेसन जले नहीं, और इसे कंटिन्यू चलाते रहना होगा। तो मैं बेसन को बहुत अच्छी तरह से भून ले रही हूँ कंटिन्यू चलाते हुए, और गैस की फ्लेम को हमने अभी भी लो ही रखा है। तो बेसन हमारा लगभग भुन चुका है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अभी मैंने यहाँ पे गैस को कर दिया है बंद। गैस को बंद करने के बाद भी इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। और ये देखिए, मैंने जो बादाम का पेस्ट बना के रखा था, इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। और दूध को इसमें मैं ऐड कर दूंगी, दूध को थोड़ा थोड़ा डालूंगी जिससे इसमें लम्स ना बने। इसे पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और दूध मेरा पहले से एक बार बॉयल था, बॉयल दूध है वो। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी लम्स पे, जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर मैं इसमें थोड़ा दूध ऐड करूंगी। ऐसे करके मैं सारा दूध इसमें ऐड कर दूंगी। हमें थोड़ा थोड़ा दूध इसलिए डालना है जिससे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। तो अभी मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और गैस को मैं जला दूंगी। गैस को जलाने के बाद इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना होगा, नहीं तो हमने बेसन लिया है, बेसन नीचे से लगने लगेंगे, इसीलिए इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक इसमें से उबाल ना आ जाए। और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दिया है। आपको ज़्यादा मीठा पीना हो, कम मीठा पीना, उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर लीजिए। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया इलायची पाउडर, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, इसमें बहुत अच्छी सी एक उबाल आ चुकी है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे 5 मिनट तक बॉयल होने देते हैं। तो देखिए, हमारा बेसन मिल्क हॉट ड्रिंक रेडी है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं।
आप इसे कोल्ड भी सर्व कर सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। बट अभी विंटर्स है तो हमेशा हम लोग गर्म चीज़ ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।